जिसम को साफ कर दे ताकि हम सब जमीन जलेश पर पहुंचा सके। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को जोश आया जब उस समय हम मदीने में शरीक होने वाले मुसलमानों पर प्यार आया। अल्लाह के रहमत करम ने पुकार कर कहा ऐ मेरे बंदे जब उस समय हम मदीने में जाना तेरा काम है और जिसम को साफ करके उसको कामयाब बनाना परवरदिगार आलम के करम का। सुभानअल्लाह तशरीफ लाए है अफरा तफरी का माहौल न बनाए। इसलिए पहले हफ्ता डेढ़ हफ्ता छह दिन सात दिन पाँच दिन पहले जामिया कादरिया रशीदिया में मीटिंग रखी जाती है। इलाके से उलमाए किराम को बुलाया जाता है, हर गांव के सिक्योरिटी साहेबान को बुलाया जाता है। एक इत्तेफाक की राय से वहां पर कोई बात है तमाम हो जाए और उसी के मुताबिक जो है जुलूस मोहम्मदी को गश्त कराया जाए। हर साल ये कहा जाता है कि डीजे लाने की कोशिश मत कीजिएगा, अगर डीजे लाइएगा ही तो रिकॉर्डिंग मत बचाइएगा, इससे दिल की धड़कन पर असर पड़ता है। दिल की धड़कन कमजोर होती है और दिल की धड़कन में कमजोरी आती है। अरे जो नबी मुस्तफा का रहमत दुनिया से दिल के दिल का खौफ मिटाने के लिए आया है, जो नबी इंसान को प्यार देने के लिए आया है, जो नबी इंसान पर रहमत करम की बरसात करने के लिए आया है, जो नबी दुनिया में मोहब्बत को पहचानी करने के लिए आया है, जो नबी इत्तेफाक का रास्ता हमवार करने के लिए आया है, जो नबी इत्तेफाक के रास्ते पर लोगों को चलाने आया है, जो नबी दुनिया से जुल्म सितम को मिटाने के लिए आया है, जो नबी मोहब्बत को पहचानी का पैगाम देने के लिए आया है, जो नबी लड़कियों और लड़कों बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए रहमत बनकर आया है। उसी जुलूस मोहम्मदी ने उसी मुस्तफा जाने रहमत के जुलूस में हम गश्त करने के लिए आते हैं तो डीजे ला करके खूब हुल्लड़ मचाते हैं। जुलूस मोहम्मदी की ताजीम इसमें नहीं है कि आप जुलूस मोहम्मदी में डीजे ला करके अब नाचे गाए अपने बदन को उछाले अपने बदन को कुदाए और खुद ब खुद उसमें मस्त मगन रहे। मुसलमान को जुलूस मोहम्मदी की यह ताजीम नहीं है बल्कि जुलूस मोहम्मदी आप इस अंदाज में निकालो कि आप जुलूस मोहम्मदी में जा रहे हो। देखने वाला खैर देखे तो उनको ऐसा लगे वो कहने पर मजबूर हो जाए मुस्तफा का सच्चा गुलाम जा रहा है, मोहम्मदी में शरीक होने के लिए आए तब हमको आपको कामयाबी मिलेगी, तब हमको आपको रहमत और बरकत का परवाना मिलेगा और ये हुल्लड़ मचाने से कोई फायदा नहीं। और सर ये भी कहा जाता है कि जुलूस मोहम्मदी में बच्ची को लड़कियों को नहीं लाना है और वाए किराम जो जुलूस मोहम्मदी में शरीक होने के लिए आते हैं उन्हें भी सख्ती के साथ कह दिया जाता है आप लोग अपने गांव के कमान को संभाले अपने हाथों में पाक छोड़।